संगीत गरम खून खलता हुआ पानी मौत के बदले मौत उर्फ डाकू लखन सिंह। कहानी बार बार नहीं बताई जाएगी, कहानी का नाम याद रखें, संगीत गरम खून खलता हुआ पानी मौत के बदले मौत डाकू लखन सिंह डाकू रूपा सिंह। तत्पश्चात कहानी तो आज एक हफ्ता हो गई है, मैं चौपाल को नहीं गया था, शलता पिताजी से मुलाकात करता हूँ। मैं अपने पिताजी के राज में राज करता हूँ, मैं अपने पिताजी के राज में राज करता हूँ, शायद करके अपने पिताजी के चरण का बुलाया किस लिए दरबार में, अरे बुलाया किस लिए दरबार में, पिता दे स्टाम संभाली को झुक के कहता था सही इंसान, सही इंसान अली का जनाब हो, सही इंसान अली का जनाब हो। बड़ी हैरत में हूँ छाया सन्नाटा दरबार में, बोलिए पिताजी रोशन हर बात का, तुम्हारी बढ़ाई से, तुम्हारी पढ़ाई से मेरी बढ़ाई है, तुम्हारी वफाओं से मुझ में साथ। हमरा रुतबा किसी जमींदार से कम नहीं, रियासत मुझसे है रियासत से। पिताजी कहो बेटा, जरूर बताऊंगा पिताजी। और पिता शरण मेला तुम जिया सदा। तुम चुक चुक जियो, गांव चौथी में लोग तुम्हारा मान सम्मान। पिताजी जानना चाहते हो कि आखिर मैं किस लिए उसी चौपाल में आया हूँ। पिताजी सुनो हमारी बात, और पिता सर करने को जी चाहे I'm sorry.
यानी तुम सैर करने के लिए जाना चाहते हो? मेरे बेटे रूपा, तो एक काम है, एक जरूरी करना रूपा तुम्हें। जसपाल रे के रकम छीन लो जाके तुम, अब करी मन में करना न को, चिंता करो ना आर पिता जिमरन। लगाना नहीं बीच में गर्च कोई दखल जो करे देना गोली चला। बस इतना ही काम कि जसपाल सैन रुपया लेकर के जा रहा है, तुम तो जानते हैं, वो तो आपकी पुराने रीत है। क्यों नहीं मेरे बेटे रूपा, तुम्हें इसलिए तो पाल पोस कर सयाना किया है कि गांव चौथी में गरीबों का खून चूसना हमारा काम है और हमारे इशारे पे नाचना। पिताजी हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आप को जनता को बहकाने और फुसलाने में आनंद आता है। कहते हो बेटा, बेटा तुम जाओ नौकर, जसपाल से पैसा छीन कर, जसपाल 50 रुपए ले गया है। आए हा हा रज दयालु हवाए, बिना जाने समझे साले 10 रुपया अपनी तरफ से दे दिया। बेटा बेटा रूपा, पिताजी मैं जा रहा हूँ अपने सैन कक्ष में, मैं सैन कक्ष में जा रहा हूँ, तब तक जाकर रोक रोक तुम जसपाल से पैसा छीन कर तत्काल चौपाल चले आओ। ठीक है पिताजी। बॉडीगार्ड मालिक, हमरे पिताजी का हिसाब तो जानते हो। हाँ मालिक, वो तो सही बात है, हिसाब क्या कि सारा भार हम पर उठाते हैं मालिक। अकेले वो तो सिर्फ आज्ञा का पालन करते, क्योंकि आदेश दे देते हैं, काम तो हम सौंप देते हैं, पूरे राज का काम हम संभालते हैं। हाँ मालिक, जहाँ जाना होता है, कोई काम होता है, सब हमारे जिम्मेदारी में होता है मालिक। का है ना बॉडीगार्ड मालिक। कितना रुपया ले गए हैं जसपाल मालिक? 60। 60 रुपया ले गए हैं? हाँ मालिक। यानी 50 अपने हमारे पिताजी से ले गया है, 10 रुपया तुम लोगों ने दे दिया। हम जानते हैं बड़े दयामान हो ना तुम लोग। ना मालिक, टूट ना रहा, हम दे दे 45 सही, हम 5 काट लेते। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, ऐसा है बॉडीगार्ड, आप मान ले वही खाते से 50 रुपए जो लिखे हैं। हाँ मान ले, बात हमारी सुनो। हाँ मान ले, तो जल्द 50 के आगे और 0 बढ़ा, जल्द 50।
दोबारा नहीं जाता जसपाल लेकर रकम छीन लो बात मुद्दत के मुर्दा एक जीरो और आगे बढ़ा दो पूरे 500 कर दो जसपाल 50 रुपए लेकर गया 50 नहीं होगा बल्कि उस पे कर्ज हमारा 500 होगा तुम लोग जा अपना काम करो मैं जा रहा हूँ जसपाल अभी काफी दूर नहीं निकला होगा जसपाल की निगाह में जा रहा हूँ जसपाल मिल जाएगा उससे सारी रकम अभी वापस पिताजी अपना काम करो क्या जसपाल तो बसकर कहाँ जाएगा अरे बसकर कहाँ जाएगा चारों तरफ भय है इधर भी भय है और उधर भी करी भैया आज मोरग सिंह बते भैया 50 रुपया लाए नहीं अब घर का जाई भैया बूढ़े से पूछी घर में कौन सौदा नहीं है हरदी मिर्चा सब्जी तेल मसाला जो कुछ नहीं हुई भैया वो क्यों लेके बाजार जेबा लेके घर जाइवा तो भैया या रोटी हो सके मिल जाए और जल्दी जल्दी जाए भैया नहीं तो पता कौन राह में यहाँ भैया मिल जाए बहुत रिकॉर्ड हो रहे ऐसी भैया क्या करी ये टाइम बहुत जमाना खराब चल रहा है हमारे भैया मोरंग सिंह 50 रुपया दे दिए मालिक तो हमारे भैया खर्चा चल जाई फिर आगे कोई भैया जुगाड़ बना ले बा यह टाइम तो बहुत गरीबी है भैया भगवान तुम्हारे सहारे दुनिया चलते है ऐसी गरीबी भगवान ना कोई कहते हो जैसे हम कहते हो क्या कहते हैं भैया भगवान तुम्हारी भैया हे मेरे भगवान भगवान तुम्हारी दुनिया में हे बे शंकर भगवान ऐसे भी आदमी रहते हैं भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों लोग सताए जाते हैं
भैया हम गरीबों के पास में क्या हो सकता है, तन पे एक कपड़ा नहीं है हमारे पास भैया, रकम और धन दौलत कहाँ से आएगी? अरे बुढ़े भैया जो तेरे पास में रखता निकाल। नहीं भैया जो तेरे पास में पैसा नहीं भैया निकाल। भैया हमारे पास कुछ नहीं, हमें पैसा चाहिए पैसा ला। भैया हम गरीबों के मास में पैसा कहाँ से आएगा? निकाल। नहीं भैया हमारे पास कुछ नहीं है भैया ला। भैया पैसा भैया निकाल वरना हे भगवान तेरी कैसी माया है, मेरे पास भैया कहाँ से पैसा है? हम गरीब लोग भैया हम गरीब लोग भैया सताबो नहीं पास कोड़ी हमारे भैया नहीं भैया हम खुद फकीर है, हम तुमको पैसे कहाँ से दे भैया? भैया 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 5 रुपया ले लो भैया और दे दो भैया, नहीं हमारी रोटी नहीं जल पाई भैया। भैया क्या रे भैया 5 रुपया ले लो हमारे लेके। अगर नामन अगर मुख से अगर तुम्हारे जरा भी आवाज आई नहीं भैया नहीं रोई भी नहीं, तुम्हारी साले जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं भैया नहीं चिल्ले सुन, यहाँ पर कोई फरियाद और किसी से साले नाम नहीं लोगे समझा? नहीं भैया कोई दिन नाम नहीं लेंगे, आप यहाँ से चले जाना भैया। चले जाइए चले जाइए भैया, लफ्ज दोबारा निकल जानते हो टाइगर चढ़ा है साले मर जाओगे भैया। हम कहाँ मारो भगवान, क्या तेरी यही मर्जी थी? 50 रुपए कर्जा लेकर आए थे वो भी डाकू ने चीर कर चले गए।
अब कैसे घर जाऊं, क्या अपनी अपनी श्यामा से क्या बताऊंगा। हे भगवान, ऐसी गरीबी दिया मुझे कि अब कहीं के नहीं रह गए। 50 रुपए कर्ज लाए थे, वो भी डाकू ले गए। आज 8वां दिन है, अन्न का दाना नहीं मिला है। हे भगवान, करो रहे वो इस गरीब पर। हे भगवान, करो रहे वो इस गरीब पर, जिंदगी तुमने दिया ऐसी ना परीक्षा लो भगवान मेरी, बोझ हो गई जिंदगी। तूने तो सबका मालिक बना, तूने सबका मालिक बना, फिर फेर ली क्यों मुझसे नजर, एक नजर मुझ पर डाल दे, कर इच्छा हो भगवान। नहीं इतनी तकलीफ भगवान, नहीं इतनी तकलीफ ते ना बुलारी, लगने लगी आज है दगी खार मेरी, बताऊं अभी तलक हमारे स्वामी जी नहीं आए हैं। ठीक है, तब तलक मैं उनका इंतजार करती हूँ, आते होंगे। और ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, बड़ा चिंता कर रहे हो, क्या बात है? अरे क्या बात है, अरे बड़ा कुछ मन उदास है। अरे मैं तुम्हारे काका का इंतजार कर रही हूँ। अब भाई आया ना? नहीं आया, आते होंगे। फिर से कहते बाजार तो ना है, कहीं चले गए हो? अरे नहीं, बाजार नहीं गए हूँ। तो काके बैठो तो निकदार रहा, देखी फिर देखो बाजार कहीं हम हो जा रहे हैं। बताओ दोस्त, किस तरह घर को जाओ,
अपने प्रिय से क्या बताऊंगा, क्या हुआ हमारे साथ। हे भगवान, तूने ऐसा गजब मत करता, कम से कम ये पपता हो गया है। 50 रुपए हमने लाया था, बाजार करता तो कम से कम खाना तो मिलता, तूने वो भी छीन लिया। ठीक है, घर को जाता हूँ, हो सकता है घर में हमारी सवा बेबी बैठी होगी, रास्ता देख रही होगी। चलता हूँ दोस्तों। अरे श्यामा, श्यामा, स्वामी जी। हाँ प्रिय। अरे स्वामी जी, क्यों रोते हो? अरे हो के क्या बताऊं और क्या बतलाऊं आपसे, दर्द दिल का हाल मुख से कुछ कहा जाता नहीं, कैसे करूं बयान। क्या हो गया स्वामी जी? नहीं मुझ पर कोई मेहरबान भगवान है, लिखे किस्मत की वही मुझ पर फरमान है। लाया था 50 रुपये मोरंग सिंह से कर्ज में, वो भी हाथ ना लगे, कहूं प्रिय बयान है। लूट कर ले गया एक डाकू प्रिय, लगता है कि हमारे जीवन की नैया उस पार नहीं लगेगी। कहां से लाऊंगा पैसा जो अपना और तुम्हारा पेट चलाऊंगा प्रिय? कुछ नहीं बचा है हमारे पास। 3 दिन से प्रिय भूख मुझके लगती बहुत, क्या करूं मेरी प्रिय, खाना मिलता है पेट कैसे तुम्हारा प्रिय, पेट कैसे तुम्हारा भरूंगा प्रिय।
अब तो कोई चारा नहीं रह गया है, अब अपने सोसे को दाब कर पाली झोपड़ पट्टी में बैठी रहो, खाना मिलना तो नामुमकिन है प्रिय, नामुमकिन है। चलो झोपड़ पट्टी को चलते हैं और शाम होने को आराम से सो जाओ, खाना का कोई जुगाड़ नहीं है प्रिय, कोई जुगाड़ नहीं है। स्वामी जी, जी चलो ठीक है चलते हैं, हो मेरी बिनती सुनो तो जानू, जानू तुझको भगवान, राम नहीं तो सारे जग में तुझे मैं कर दूंगी बदनाम, दुनिया में तेरे